दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले मुंबई हाई कोर्ट के एक फैसले पर स्टे लगा दिया है और मैं उसी फैसले पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा। उस केस के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा और आपसे जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि आपका क्या विचार है इसके बारे में। मित्रों, ये केस है कुणाल कामरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का और इसकी शुरुआत 2021 से हुई जब आईटी एक्ट या आईटी रूल 2021 लाया गया भारत सरकार के द्वारा। उस रूल के तहत जो इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन सब इंटरमीडियरीज पर एक तरह से समझिए चेक लगाने के लिए ये रूल लाया गया, जिसमें ये प्रोविजन डाला गया कि सरकार से रिलेटेड कोई भी न्यूज़, उसके काम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ जो गलत है, फेक है, उस पर फैक्ट चेक करने के लिए एक यूनिट बनाया जाएगा। उसको बोलते हैं फैक्ट चेक यूनिट और वो यूनिट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत काम करेगी। ये प्रोविजन लाया गया 2021 में और जही वो प्रोविजन लाया गया, उस प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए 6 अप्रैल 2023 को सरकार ने उसको नोटिफाई कर दिया कि ये अब रूल लाया जाएगा। अब इमीडिएटली आफ्टर बहुत सारे कंसर्न उस पर शुरू हुई, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, लोगों ने कंसर्न बताना शुरू किया कि सरकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीनने की कोशिश कर रही है जनता की इंटरमीडिएट पर रोक लगाने के नाम पर, और अगर कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेगा तो उसको भी सरकार इसके प्रीव्यू में लाकर परेशान करेगी और पकड़ लेगी। और इसीलिए कॉमेडियन कुणाल कामरा ने और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और दूसरे सिविल सोसाइटीज ने सबने मिलकर एक याचिका दायर की मुंबई हाई कोर्ट में कि इस पर रोक लगाया जाए। और यह याचिका उसी समय दायर कर दिया गया था 2023 में ही, लेकिन इसकी सुनवाई होते होते 2024 आ गया। जनवरी में मुंबई हाई कोर्ट के दो जजेस के खंडपीठ ने इस पर फैसला सुनाया, लेकिन वो स्प्लिट फैसला था और डॉक्टर नीला ने उस पर बताया कि ये एक बहुत ही गलत कदम है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो दूसरे न्यायमूर्ति हैं मिस्टर पटेल, उन्होंने इसे सही ठहराया और इसके कारण से ये स्प्लिट जजमेंट आ गया जनवरी 2024 में। जो तीसरे जज हैं उनको अपॉइंट किया गया, उनका नाम है जस्टिस AS चंदूकर। अब तीसरे जज साहब ने 21 मार्च को ये फैसला दे दिया कि सरकार के द्वारा अगर इस तरह का कोई प्रोविजन लाया जा रहा है और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश की जा रही है, फेक न्यूज को रोकने की कोशिश की जा रही है, वो भी सरकारी एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होना चाहिए। यही मुंबई हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2023 को यह फैसला सुनाया सरकार के फेवर में। इमीडिएटली आफ्टर दैट 20 मार्च 2023 को यूनियन ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया इंफॉर्मेशन एक्ट 2021 के तहत फैक्ट चेक यूनिट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत कायम कर दिया गया है। अब वो जितने भी इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर करेगी, स्पेसिफिकली जो सरकार से रिलेटेड है। और इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर नीला गोखले ने जो जजमेंट 148 पेज का दिया है उसमें उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात कही है और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पर क्वेश्चन उठाया है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से अभी फैसला नहीं आया है और इन जनरल सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है उसमें और एक डिटेल रिपोर्ट है, 148 पेज का जजमेंट है और उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात की गई है, संविधान पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है इस पर्टिकुलर प्रोविजन के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान लेते हुए इस पर्टिकुलर जो जो फैक्ट चेकिंग यूनिट जो बनाया गया है सरकार के द्वारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत उस पर रोक लगा दिया गया है। अब एक बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा है बीजेपी के सरकार को कि इलेक्शन से पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अभी लगातार बीजेपी की तरफ से कुछ इस तरह की गलतियां हुई हैं, या समझिए ओवर रिएक्शन हुआ है, या समझिए ओवर एक्टिविज्म हुआ है, जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट लगातार चेक लगा रही है उसके एक्टिविटीज पे। सबसे पहले जो बॉन्ड्स था, इलेक्शन बॉन्ड्स, उस पर लगाई, अब ये वाली बात आई। अब तीसरा अभी मुद्दा भी गरमाया हुआ है, वो है केजरीवाल जी का मुद्दा, जिसमें दिल्ली के सीएम को अरेस्ट कर लिया गया है। मित्रों, अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही थी, तो भारतीय संविधान में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर बहुत ही अच्छा प्रोविजन है
और उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब करना किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अल्ट्रा वायर करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को। तो परहैप्स किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली इसमें संज्ञान लिया, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी तक उसका पूरा जजमेंट नहीं आया है, कोर्ट का फैसला नहीं सुनाया गया है, लेकिन चूंकि कोर्ट ने अलाउ कर दिया फैसला लेने से पहले ही उस प्रोविजन को के तहत फैक्ट्स चेक यूनिट को बनाने का परमिशन दे दिया हाई कोर्ट ने, तो इस पे इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट को लगा कि संज्ञान लेना चाहिए और उन्होंने संज्ञान लेकर इस पर रोक लगा दिया मित्रों। और इस तरह से देखा जाए तो कुणाल कामरा और सिविल सोसाइटी और जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है उसके लिए बहुत ही बड़ा एक जीत का कदम है, और इनफैक्ट सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है ये जीत का कदम, ये पूरे भारत की जनता के लिए है, बिकॉज प्लेटफॉर्म पर मिस इन्फॉर्मेशन डालना और उसको फिर प्रोपोगेट करना, उस प्लेटफॉर्म का तो कंट्रोल करने का जो क्रम है वो है ही, इसके साथ साथ एक सिटीजन जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है उसका भी काम है, उसको आप तुरंत फेक अलर्ट बनाइए और उस पर क्वेश्चन मार्क लगाइए ताकि उस पर ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम कर्व कर सके। अगर ये सोशल मीडिया पीपल पर सर्वाइव थ्राइव कर रही है तो ये सोशल मीडिया पीपल के द्वारा कंट्रोल भी होनी चाहिए और उस पर प्रोविजन कुछ ऐसे बनने चाहिए कि जब कोई गलत न्यूज़ हो तो उसको फ्लैग कर दिया जाए, आम जनता ही फ्लैग करेगी और सोशल मीडिया आफ्टर सम टाइम उस पर ड्यू इन्वेस्टिगेशन करके उस कंटेंट को इमीडिएटली स्टॉप कर दे, हटा दे। मित्रों अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं हमारे तरफ से तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, अपने विचार जरूर दें ताकि हमारे और आपके बीच में संपर्क बना रहे और हम इनकरेज हों आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। मित्रों आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एंजॉय कीजिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कीजिए और जब कोई इन्फ्रिंजमेंट हो तो तुरंत अलर्ट होइए, सोसाइटी बनाइए और अपने क्लेम को ठोकिए, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको कोई नहीं छीन सकता मित्रों।